आखिर जांच से आज क्या है? अगर गड़बड़ी नहीं हुआ है तो डंके की चोट में आगे आकर के आप कैमरा के सामने बात को रखिए कि हाँ मेरा रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। यहाँ सीटों को बेचा गया है तो सरकार को छात्र का भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और ये तो तय हो गया 30-30 लाख में SIT ने बता दिया है कि पेपर लीक हुआ है। जिस छात्र के हाथ पे कलम होना चाहिए, जिस छात्र का हाथ पे कॉपी किताब होना चाहिए, लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते हुए होना चाहिए, लेकिन आज 20वें दिन धरने पर हैं। और अगर डिमांड कर रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं तो FIR लगाया जा रहा है, बड़ी से बड़ी धारा लगाया जा रहा है, लाठी डंडा FIR दिया जा रहा है। तो यह दुर्भाग्य है जी, झारखंड प्रदेश का यह दुर्भाग्य है। और अभी जहां खड़ा है राजभवन के समीप धरना स्थल आए हुए हैं, जहां PGT के छात्र लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर हैं और आज धरने का 20वें दिन है और ये लगातार मांग कर रहे हैं जांच, CBI जांच और ED की जांच को लेकर के। इस तरीके से कई छात्र जो है कि सड़क पर लगातार देख रहे हैं कि कभी CGL का पेपर लीक का मामला हो, कभी JPSC का मामला हो, कभी JSSC का मामला हो, कभी PGT का मामला हो। आखिर हम वर्तमान राज्य सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आखिर अलग झारखंड हुए 24 साल हुआ और जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ था और वर्तमान समय में छात्र का जो स्थिति परिस्थिति है इसमें छात्र का कसूर क्या है? जिस छात्र के हाथ पे कलम होना चाहिए, जिस छात्र का हाथ पे कॉपी किताब होना चाहिए, लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते हुए होना चाहिए, लेकिन आज 20वें दिन धरने पर हैं। और साथ ही साथ इसके हाथों पे स्लोगन है, पोस्टर है, बैनर है। और अगर डिमांड कर रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं तो FIR लगाया जा रहा है, बड़ी से बड़ी धारा लगाया जा रहा है, लाठी डंडा FIR दिया जा रहा है। तो यह दुर्भाग्य है। अब हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि छात्र का जो भी डिमांड है, आखिर जांच से आज क्या है? अगर गड़बड़ी नहीं हुआ है तो डंके की चोट में आगे आकर के आप कैमरा के सामने बात को रखिए कि हाँ मेरा रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, स्पष्ट है, पारदर्शिता है। लगातार देख रहे हैं कि जो भी 60-40 नीति के तहत जो नियुक्ति हो रहा है, हम लोग शुरू से विरोध करते आ रहे हैं कि पहले नीति बनाइए, उसके बाद जो है कि धड़ाधड़ नियुक्ति दीजिए, उम्र का पार हो रहा है। लेकिन यहाँ बिना नीति बनाए नियुक्ति सिर्फ गड़बड़ी करने के लिए किया जाता है। और छात्र जब आरोप लगा रहे हैं तो अभी तक सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। अगर छात्र का आरोप गलत है तो तत्काल सरकार को कैमरे के सामने आकर के स्पष्ट करना चाहिए कि अगर पारदर्शिता है। ऐसा कहीं होता है क्या कि जो सबसे छोटा सेंटर में सबसे ज्यादा रिजल्ट, कौन सा चमत्कार है भाई कि कोड 102 कोड एक कैसा चमत्कार है कि वहां जो गया उस कोड में उसी का रिजल्ट निकल गया। ऐसा चमत्कार सिर्फ झारखंड में ही देखने को मिलता है। JPSC में देखे कि लगातार कर्मवार पास हो गया था 3 सेंटर से, उसी प्रकार अभी PGT में भी देख रहे हैं कि 4 सेंटर में जो है कि पूरा पास 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 दिख रहा है। यहाँ सीटों को बेचा गया है तो सरकार को छात्र का भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। छात्र का भविष्य को ध्यान में रखते हुए, इसको संज्ञान लेते हुए तत्काल जो है कि CBI जांच का आदेश देना चाहिए। और बहुत बड़ा घोटाला का इसमें बू आ रहा है क्योंकि ये लगातार देख रहे हैं, CGL रद्द हुआ, पेपर लीक का मामला सामने आया, कई अपराधी अभी जो है कि दोषीदार अभी जेल में है, SIT कमेटी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक मीडिया के सामने इस बात को लेकर के आधिकारिक जानकारी नहीं दिया है SIT कमेटी कि पेपर लीक का असली सरगना कौन है, कैसे पेपर निकला। और ये तो तय हो गया 30-30 लाख में SIT ने बता दिया है कि पेपर लीक हुआ है। तो इसीलिए इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो इसको ED से जांच कराया जाए, तत्काल जांच कराया जाए, अन्यथा राज्य के छात्र आक्रोशित हैं और यह आक्रोश आपको सड़क में भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। राज्य के बड़े शहरों में अवस्थित कोचिंग सेंटरों पर भी उंगली उठ रही है, क्या उन कोचिंग सेंटरों के खिलाफ भी CBI जांच होनी चाहिए? देखिए, अगर ये घोटाले का प्रकरण का जांच होगा तो इसमें संलिप्त चाहे कोचिंग संस्थान हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे इसमें जुड़े बड़े से बड़े अधिकारी पदाधिकारी हो, चाहे सरकार में शामिल बड़े बड़े मंत्री हो, सब घेरे में आ जाएंगे। CBI जांच का आदेश तो किया जाए, आदेश होते ही इसमें जुड़े सारे लोगों का पर्दाफाश होगा। JBKSS कहा जाता है कि ये छात्र आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, अगर छात्रों के हित को, छात्रों की मांग को सरकार अनदेखी करती है तो आपकी पार्टी का क्या स्टेप होगा?
जी, मैं जेवीकेएसएस केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम राज्य के तमाम छात्र के साथ जेवीकेएसएस खड़ा है और आज हम सरकार को एक तरीके से अल्टीमेटम दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द मामला को संज्ञान में लेते हुए जांच का आदेश दिया जाए, अन्यथा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति साथ ही साथ छात्र विंग झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन पूरे सड़क पर उतर के उसी तर्ज पर आंदोलन करेंगे जिस तर्ज पर आपने देखा होगा 60-40 नए चलतों का आंदोलन, चाहे वो दृश्य विधानसभा का घेराव हो, दृश्य मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो, दृश्य झारखंड बंद का जो है कि पांचों प्रमंडल का पूरा चक्का जाम, वो दृश्य जो विधायक सांसद से लिखित समर्थन ले रहे थे, वो दृश्य जो हाट बाजार में सकुआ पत्ता घुमा करके ढोल नागर मादर बजा करके जो है कि लोगों को एकजुट कर रहे थे, वही दृश्य फिर से देखने को मिलेगा। और यह दृश्य इस बार ये स्वरूप में होगा कि 2024 का चुनाव में पूरा जो है कि इसका असर देखने को मिलेगा और ये तमाम पक्ष और विपक्ष जो दोनों छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दोनों को 2024 का चुनाव परिणाम में भी एक बहुत बड़ा तमाचा मिलेगा।